getting more and more frustrated by each passing day कि मैं lonely रह गया या रहने Now, what is the state of mind which is afflicted by loneliness and what message does that have for the students? Because you see, the teacher is one thing, one unit. The mind does not transform simply because he or she is in the classroom. आप घर में जो हो, आप अपने drawing room में जैसे हो, आप प्लेग्राउंड पे जैसे हो, आप रोड पे जैसे हो, आप यहां पे भी तो वैसे ही रहोगे ना. यू कैन नॉट वेयर अनदर मास्क. एसेंशियली यू आर द सेम माइंड. सो हियर आई टीच ऑल माय स्टूडेंट्स that all the objects in the world are within the purview of science. जो भी कुछ हो रहा है वो साइंस की परव्यू में है. But on the day of सूर्य ग्रहण and चंद्र ग्रहण, I am myself avoiding coming out. Of course, the students are not seeing that. But then what does that say about my mind? कि एक तो मेरी वैल्यू ये है कि सारे भी ऑब्जेक्ट्स साइंस की परिधि में आते हैं और साइंस के द्वारा सब जाना जा सकता है. और दूसरी ओर मेरे मन में काल्पनिक डर बैठा हुआ है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण हुआ उस दिन मैं बाहर निकल पड़ा या मैंने कुछ और कर दिया तो कुछ और हो जाएगा. और वन हैंड आई टीच केमिस्ट्री एंड आई नो व्हाट आयरन इज. आई फुली वेल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द आयरन. आई इवन गो इनटू द क्वांटम फिजिक्स एस्पेक्ट ऑफ इट. तो आयरन क्या मुझे अच्छे से पता है. ऑन द अदर हैंड द मोमेंट आई सी दिस फेलो ऑन अ सैटरडे हु आता है शनिदेव पर पैसा चढ़ाना तेल में तो मैं तेल में सिक्का डाल देता हूं. So what kind of mind does it tell? Does it not tell of a divided mind? जो कहता है कि क्लासरूम में एक बार बोलनी है आयरन के बारे में और जब शनिदेव को तेल में सिक्का चढ़ाना है तो दूसरी बात बोलनी है. That is because our belief system is so strong. Fragmented. Divided mind. इसमें टुकड़े खंड है. और वो खंड आपस में लड़ रहे हैं. एक जो वो खंड है वो इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर आपकी दादी का प्रभाव है. तो दादी ने सिखाया कि शनिदेव लोहे के हैं, ये करना है, उस पर सिक्का डाल दो. और ये जो खंड है जो क्लासरूम में एक्ट कर रहा है ये आपके साइंस टीचर का है जिसने आपको सिखाया कि आयरन ये है, फेरस फेरम इतनी वैलेंसी होती है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दो अलग अलग टुकड़े हैं और वो आपस में लड़ते हैं और उसी से कंफ्यूजन कंफ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है. You don't need to. You only need to see that this mind is enclosed by traditions. You only need to see that. उसके बाद जो होना होगा स्वतः होगा. उसके लिए आपको कुछ अलग सी कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूं कि ना करूं.